आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंडरकी के गांव असालत नगर बघा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 25 किलोमीटर तो ब्लॉक से 17 किलोमीटर है। 4000 वोट और 10000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान इशरत जहां के हाथों में है। ग्राम प्रधान इशरत जहां और सचिव सतपाल के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। ये गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान द्वारा गांव में अच्छे कार्य कराए गए हैं। ग्राम प्रधान के कार्यों को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। 4 वर्षों में इन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है ब्लॉक कुंडरकी के असालत नगरपुर बघा में। यहाँ इस ग्राम पंचायत में इन 4 सालों में किस तरह से ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ विकास करवाया गया है, इसकी जानकारी हम पूरी आपको प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। आइए चलते हैं प्रधान पुत्र के पास। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत असालत नगर में स्वागत है जी। थैंक यू। जैसे कि 4 साल से ज्यादा टाइम पीरियड पूरा बीत चुका है इस कार्यकाल को, क्या क्या विकास कार्य अपने गाँव में अब तक करवाए हैं? हमने विकास के नाम पर जैसे कि अभी कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों का कायाकल्प ऑपरेशन के तहत काम हुआ है, और जैसे कि आवासों का हो, प्रधानमंत्री आवास जिस तरह से हम लोगों को लगभग 65 आवाज अब तक हम लोगों ने वितरित करा चुके हैं, और अब मुख्यमंत्री जी के उससे भी एक सूची बनी है, उसमें लगभग 35 लोगों का नाम है, उसके हिसाब से भी हम ओडीएफ भी हो चुकी है हमारी ग्राम पंचायत, जिसमें हमने लगभग 300 कुछ शौचालय बनवाए थे, और क्या नाम है सड़कों को लेकर हो या आंगनबाड़ी के अंदर हो या जैसे कोई विधवा पेंशन अपने कार्यकाल में लोग 102 पेंशन बनवा चुके हैं। जैसे जो केंद्र सरकार की योजनाएं चलती हैं उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, तो आपके गांव में कितने परसेंट लोग हैं जो सरकार की योजनाओं का 100% लाभ मतलब उनको मिल जाता है? लगभग 85 लोगों को लगभग मेरे हिसाब से 85% लोगों को पूरा लाभ मिलता है जी। इसके अलावा सोलर लाइट स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाएंगे ग्राम पंचायत में। अभी माननीय सांसद राज्यसभा सांसद जो है वीर सिंह, उनकी निधि सांसद निधि से हम लोगों ने अभी 12 लाइटें पास कराई है, हाई माइस्ट लाइट वो एक दो दिन में लगने वाली है अभी फिलहाल में, और माननीय सांसद डॉक्टर सुधीर रहमान जी सांसद निधि से भी एक रास्ता लिया था अभी जी। और ये रास्ता है लाल किले से लेकर और मियाँ साहबों के वहाँ तक लगभग ये PWD से हमने 1 किलोमीटर का रास्ता करवा दिया। गांव में कच्चे रास्ते अभी भी बाकी सभी पूरी तरह से पक्का हो गए हैं। कितने परिवार ऐसे होंगे गांव में जिन्हें अभी भी आवास की जरूरत है? अब मतलब 65 का हम लोगों ने दीवार दिलवा दिए थे और 32 की अब लिस्ट बनी पड़ी है, अब उसके हिसाब से तो मेरे हिसाब से कोई है लगभग 25 परिवार। हाँ, 25 परिवारों को मिल जाएगा जी। जैसे कि यहाँ अब लॉकडाउन लगा है, 70 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ था, अभी भी जारी है, लेकिन इस बीच में काफी गरीब लोगों को परेशानी हुई है कई तरह से, तो आपके गांव में भी क्या ऐसे लोग आपके सामने आए हैं या आपने अपने गांव में मतलब किस तरह से यहां अपनी भूमिका निभाई, किस तरह से योगदान दिया है? जैसे कि 70 दिन का लॉकडाउन हुआ था उसमें हम लोगों के जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ साहब थे, मैंने उनसे कहा गरीब परिवार की लिस्ट बना के दी, मैंने अपने ही द्वारा चुपचाप मतलब किसी को पब्लिसिटी नहीं करके उनके घर पर राशन पहुँचाया, और उनके सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये मास्क लगाना सार्वजनिक स्थलों पर या जैसे कोई भी मतलब गंदगी वाली चीज को मतलब हाथ धुलना, ये इस तरीके से लोगों को आपने अपनी तरफ से काफी जागरूक किया जी। सैनिटाइजर कराया हमने, और अब इस समय में साफ सफाई की स्थिति कैसी है आपके गाँव? साफ सफाई की बिल्कुल अच्छी स्थिति है इस टाइम पे, एक सफाई कर्मी हमें ब्लॉक से मिल रखा और एक हम लोगों ने अपने निजी तरफ से रखा सफाई। अब अपने गांव को और सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से रखना चाहेंगे? प्रमुख मांग यही है कि हम ग्राम पंचायत में शादी घर चाह रहे थे, और क्या नाम है जैसे बहुत सी योजनाएं जैसे शादी घर है या पंचायत भवन है, ये जो 3 योजनाएं अगर हमें मिल जाए तो हमारे तरफ से फिर कोई कमी नहीं रहेगी विकास। अस्पताल में गाँव की जनसंख्या कितनी? गाँव की जनसंख्या बॉर्डर पर है 4000 है और जनसंख्या की 8500 जी। तो अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? अस्पताल यहाँ से मैनेज है 1.5 किलोमीटर का जी। तो कभी आपने ये कोशिश नहीं की कि यहाँ पर कोई स्वास्थ्य केंद्र या उपस्वास्थ्य केंद्र की सुविधा आपको मिल जाए? मैंने कही थी पिछली बार जब हम लोग सपा की सरकार थी, उन्होंने भरोसा दिलाया था बोले मिल जाएगा, अब सरकार निकल गई, अब माननीय विधायक ने सही निर्माण उनसे मैंने अभी के रखी है, और मैं मुरादाबाद के विकास भवन में जाकर इस बात को रखा। क्या आपके ग्राम पंचायत में कोई कोरोना मरीज की नहीं? हमारे
कोई नहीं, बाहर से लोग आएंगे, बाहर से लोग आए थे, उनके लिए आपने जांच वगैरह सब जांच सब सब करवा दिया। और कुछ कहना चाहेंगे अब इस वक्त में जैसे कि महामारी चल रही है, अपने गाँव वालों को कुछ कहना चाहेंगे? गाँव वालों को यही मेरा संदेश है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने पास साफ अपने आस पास साफ सफाई रखें, और क्या नाम है मतलब जैसे कि इन लोगों से करीब जाना मिलना जुलना जाने में थोड़ा कम रखें, और अपने हाथ नियमित तरीके से धोते रहें और साफ सफाई का ज़्यादा रखें महामारी। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान पुत्र से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इन बीते चार वर्षों में इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, आवास भी यहाँ लोगों को मिले हैं, ओडीएफ ग्राम पंचायत पूरी तरह से हो चुकी है, स्कूल में भी कार्यकल्प के अंतर्गत काफी सौंदर्यकरण करवाया गया है। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान में महामारी के चलते भी यहाँ पर गरीब लोगों की काफी तरह से इन्होंने अपने जो है निजी स्तर पर मदद की है, राशन वितरण हो या किसी तरह की आर्थिक मदद हो, गांव में साफ सफाई को लेकर भी लोगों को काफी जागरूक किया है। इसके अलावा कुछ समस्याएं यहाँ बाकी हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत घर जो कि यहाँ निर्मित नहीं है, जिनका होना बहुत जरूरी है, और एक प्रमुख मांग जो यहाँ पर अस्पताल को लेकर है, जिसका होना बहुत ही जरूरी है। अब ऐसे समय में हर किसी को ये जरूरत लगती है कि सबसे ज्यादा और सबसे पहले जो ध्यान और काम है वो हेल्थ स्ट्रक्चर पर यानी स्वास्थ्य विभाग पर होना चाहिए, तो एक अस्पताल गांव में होना बहुत जरूरी है। अशरफ अली के साथ नाजरीन, टुडे 24 से। क्या नाम है आपका? अफरोज। कहाँ के निवासी हो? असालत नगर बगा। यहाँ विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? हमारे यहाँ सभी काम ठीक हो रहा है, किसी चीज़ की कोई परेशानी ना, नाली की, रास्तों की और खेतों के रास्तों की कोई परेशानी ना हमारे गाँव में, जो खराब ठीक काम चल रहा है। इनके विकास कार्य संतुष्ट हो आप? ना, बढ़िया काम है। और कुछ कहना चाहोगे? ना, और क्या कहना है, अब ये सरकार की बात है, कोई योजना आवे और हमें लाभ मिले। क्या नाम है आपका? राशिद, मोहम्मद राशिद। कहाँ के निवासी हो? यहाँ पे 4.5 साल हो गए हैं ग्राम प्रधान के कार्यकाल को। हाँ। विकास को लेकर के क्या कहना चाहोगे? नहीं, सही काम कराया प्रधान, बहुत बढ़िया और सही, और मतलब कोई झगड़े पैदाशी नहीं हुई, रास्ते गांव के गांव में भी काम सही कराया।